और काश के तुम उनको देखते जब के वो घबराए हुए फिरेंगे और कोई भागने की जगह नहीं पाएंगे और पास के पास से गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उस शख्स पर के जो मुर्दों को देखता है और मौत को भुला बैठा है और उस मौत की तरफ सबकत करो जिससे भाग न भी चाहो तो वो तुम्हें पा लेगी और ठहर जाओगे तो गिरफ्त में ले लेगी और तुम उसे भूल भी जाओगे तो वो तुम्हें याद रखेगी और साए की तरह तमाम उम्र तुम्हारे साथ साथ है। हम वो हम साए हैं जो एक दूसरे की मुलाकात को नहीं जाते। हम वो हम साए हैं जो एक दूसरे से इस तरह। हम वो भूले बसरे लोग हैं जिनका कोई इंतजार नहीं करता। बावजूद इसके कि हम एक जगह जमा हैं, फिर भी तन्हा हैं। बहम रफीक हैं, फिर भी एक दूसरे से दूर। जमीन ने हमें भेज दिया और हमारे बदन का गोश्त खा लिया और हमारा खून चूस लिया। बस अब कब्र के गड़े में बेहिसो हरकत नजरों से ओझल पड़े हुए हैं। नहीं, मत ले जाओ। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते? रुक जाओ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ठहरो, तुमसे बोल रहा हूँ। ठहरो, मैं जिंदा हूँ। ये तो मुर्दों की जगह है। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? जरा आहिस्ता। हे खुदा, ये क्या हो रहा है? ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कितनी अजीब बात है। फजल हुसैन की कब्र है। ये तो 20 साल पहले फौत हुए थे।
बेहतर होगा एक नजर इसकी कब्र पर डालूं। यानी ये अभी तक यही है? और ये मेरा पड़ोसी है। इसका तो पेट फट चुका है, आंतें बाहर निकली पड़ी हैं, आंखों से कीड़े टपक रहे हैं। यानी मेरा जिस्म भी चंद रोज बाद। लोगों देख रहे हो कि किस तरह नाश परवरदा जिस्म बोसीदा हो गए। देख रहे हो कीड़े मकोड़ों ने इनका गोश्त खा लिया। देख रहे हो इनकी आंखें बजाय सुरमे के खाक से भर गई हैं। देख रहे हो वो ज़बानें जो फितना फसाद की बातें किया करती थी किस तरह टुकड़े टुकड़े हो गई हैं। देख रहे हो किस तरह बेबस और लाचार पड़े हैं, न दिफा के लिए हाथ रहे और न ही आहुजारी के लिए दिल। देख रहे हो? नहीं देख सकते, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं नहीं देख पाया था। मौत की याद आपके दिलों से मिट चुकी है और उसकी जगह बेजा ख्वाहिशों ने ले ली है, जैसे मैं भी और कुछ दूसरे भी। ऐ खुदा, कितनी जल्दी मेरी दुनिया खत्म हो गई, जैसे एक रोजा जिंदगी हो। आराम से मुझे जमीन पर रखे। इल्तजा करता हूँ एक पहलू से लिटाते हैं जाने, फिर एक शख्स ज्यादा और मुट्ठी भर खाक मैयत के सर के नीचे डाल देता है और मुट्ठी भर खाक उसके मुंह पे डाल देता है। यानी देखा क्या हमने, देखा के नाक खाक पर रगड़ी गई है। इस कदर गुरूर था और अब आवेला وحشت قبر مجھ پہ تاری ہوگی، میری زبان بند ہو جائے گی، جتنا بھی پکاروں۔ یہاں مجھے منو مٹی تلے تنہا مت چھوڑو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نہیں आप सब कहाँ जा रहे हैं? मुझे अकेला मत छोड़ें, मुझे तन्हाई से डर लगता है। खुदा के लिए रुक जाएं, मुझे अकेला न छोड़ें।
कैसा वहशतनाक मंजर है, कैसी अजनबी जगह है। इस मौके पर जब मैं रोता हूँ अपनी कब्र की तंगी के लिए, मैं रोता हूँ अपनी कब्र की तंगी के बाएस, देखा ऐसा कोई पहलू से लिटाते हैं मैं जाने, फिर एक शख्स जाता तेरा खुदा कौन है? मेरा माबूद खुदाई यकता और तन्हा है, वो अल्लाह वही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, छुपी और खुली का जानने वाला वही रहमान और रहीम है। तेरा पैगंबर कौन है? मेरे पैगंबर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। और मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब हैं। तुम कौन हो? घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त और रफीक हूँ। मेरे दोस्त? अगर तुम वाकई मेरे दोस्त हो तो इस मुसीबत में मेरी मदद करो। मुझे अफसोस है, जितने दिन दुनिया में तुम मेरे साथ थे उतने दिन यहाँ तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हें खतरनाक सफर करना है, बहुत मोहतात रहो। मैं चलता हूँ लेकिन बहुत जल्द लौट आऊंगा। खुदा हाफिज। इसके जिस्म के तमाम आगा खींचो। खुदाया मैं क्या करूं, सोता हुआ बन जाऊं? मुझे सो जाना चाहिए ताकि वो समझे मैं सो रहा हूं। इसको नींद से उठाओ, इसके साथ जो हो रहा है इसको लिखो। इसके जिस्म के तमाम आज़ा खींचो और इसके साथ जो हो रहा है इसको लिखो। इसका दिल निकालो। इसकी जबान निकालो। नाम है अमाल इसकी गर्दन में डालो। इसके जिस्म के तमाम आगा खींचो। इसके जिस्म के तमाम आगा खींचो। इसकी कब्र को फिशार दो ताकि इसके आगा चूर चूर हो जाए। दो
دوست اٹھو کہ تمہارے سارے درد ختم ہو گئے، مجھے تمہارا زیادہ راہ کم دکھائی دے رہا، لہٰذا تمہیں چند جمعے مزید یہاں رکنا پڑے گا، شاید تمہارے دوست تمہارے لیے کچھ بھیج دیں۔ میں چلتا ہوں تاکہ سلطان دین و دنیا سے تمہارے لیے اجازت نامہ طلب کروں۔ اگر تمہارے عزیز و اقارب کی طرف سے کچھ نہ آیا تو شب جمعہ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، تاکہ شاید تمہارے لیے خدا سے رحمت و مغفرت طلب کریں۔ مولا فرماتے ہیں جب انسان کی لاش قبر میں اتاری جائے گی اس کے عزیز دوست رشتے دار اولاد بیویاں سب اسے چھوڑ کے چلے جائیں گے، تب خدا کی آواز آئے گی، میرے بندے کہاں گئے تیرے دوست رشتے دار جن کی محبت پر تو گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا اور میری نماز کا وقت گزر جاتا تھا۔ ابھی تک تو کوئی خبر نہیں، میرے خیال ہے میرے گھر والے مجھے بھلا بیٹھے ہیں، مجھے پرندے کی صورت میں اپنے گھر جانا چاہیے، شاید میرے گھر والے اس شب جمعہ میرے لیے کچھ بھیجیں۔ السلام علیکم دوست۔ وعلیکم السلام۔ یہ سیف کہاں سے آئے؟ ایک بندہ خدا یہاں سے گزر رہا تھا، جب تمہاری قبر پر پہنچا تو تمہارے لیے فاتحہ پڑھی، اور یہ سیف اسی سلے میں ہے جو دیکھ رہے ہو، خدا اس پر رحم کرے کہ بر وقت آیا ہے۔ اب سمجھا کہ دنیا میں ہمارے اعمال مرنے والوں کے لیے کس قدر مؤثر اور مشکل کشا ہوتے ہیں، لیکن ہم دنیا میں ان پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ میرے دوست، ایک خبر تمہارے لیے ہے، سنو گے تو خوشی سے پھولے نہیں سماؤ گے۔ مجھے خبر دی گئی ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سفارش پر اور چند امام زادے و بزرگ ہستیاں کہ جن کے لیے تم نماز شب میں دعا کیا کرتے تھے یا ان کے مزار پر جا کر فاتح خانی کرتے تھے، انہیں معلوم ہوا ہے کہ تمہیں سفر آخرت درپیش جس کا سامنا سب کرتے ہیں، تو ان حساس لمحات میں چاہتے ہیں کہ وہ تم سے ملنے آئیں۔ میرے خدا، میں اس قابل نہیں تھا، میں اور یہ سعادت۔ فریاد ہے
سامنے موجود ہیں حضرت عباس علیہ السلام ہیں اور حبیب ابن مظاہر اور دیگر ہستیاں بھی ہمراہ ہیں. ان کی آمد کا مقصد صرف تمہاری دلداری اور تسلی و تشفی ہے اور محبین کے لیے ان کی شفاعت و داد رسی آخر وقت پر موقوف ہے. وہ تشریف لائے ہیں تاکہ تم ان کی شفاعت سے مایوس نہ ہو جاؤ اور سفر کے لیے آمادہ ہو جاؤ, کیونکہ آگے چل کر تمہیں مزید سخت مراحل سے گزرنا ہے, وہ مراحل جو گناہگاروں کے لیے اور بھی سخت و روح فرسا ہیں. منزل قید ہے, بند ہے راستے, زخم خوردہ بدن, پاؤں میں آب لے, رہبری کے ہے محتاج سب قافلے. میرے کشکول میں آپ کی یاد ہے, آپ کی یاد ہے, وقت امداد ہے, دل کی فریاد ہے, بولا جائیے, دل کی فریاد ہے. میرے دوست, خود کو سفر کے لیے آمادہ کرو, تمہیں مزید زیادہ راہ کی ضرورت ہے. میں دوبارہ اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جاؤں گا, اگرچہ وہ میرے نام سے بہت کچھ کرتے ہیں لیکن میں ان کی خیر خواہیوں سے مایوس ہوں, اور اب میرے جانے سے سوائے میرے غم و غصے میں اضافے کے کچھ حاصل نہ ہوگا. میں تم سے پہلے چوتھی منزل کے لیے روانہ ہوتا ہوں, تم بھی میرے بعد چل پڑنا, چوتھی منزل پر ہم ایک دوسرے سے ملیں گے. لیکن دوست, میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ رہوں. دنیا میں یہ 3 سال میں تمہارے ہمراہ نہ تھا, یہ تمہاری اپنی کوتاہی ہے, اب خود سزا کے لیے تیار رہو. اے خدا, میری مدد فرما. بہت ڈر لگ رہا ہے, اے کاش کوئی رفیق ہوتا جو اس وقت میرے ساتھ رہتا. خدا کا شکر بالآخر کوئی تو نظر آیا. علیکم, تم کہاں جا رہے ہو؟ چلو بھی تم جاؤ. اچھا, تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام جہالت ہے اور میرا کام فتنہ فساد پھیلانا ہے. میں تم سے مخاطب ہوں, اے تم سے کہہ رہا ہوں. مجھے پیاس لگی ہے, یہاں نزدیک میں پانی ہوگا؟ پتا نہیں. تو پھر تمہیں کیا پتا ہے؟ بس اتنا پتا ہے کہ ابتدائی عمر سے ہی سائے کی طرح تمہارے ہمراہ, کبھی تم سے جدا نہیں ہوا تھا, مگر یہ کہ خداوند تمہیں توفیق دیتا کہ مجھ سے جدائی اختیار کر لیتے. عجیب مصیبت میں پھنس گیا ہوں, خدایا مجھ پر رحم فرما.
किस कदर आहिस्ता चल रहे हो तुम, चलो। अगर रास्ते के दरमियान में चलोगे तो ये सब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि नीचे का रास्ता हमवार है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहाड़ी पर से जाऊं। ए, तुम्हारी सोच बिल्कुल ठीक है। यहाँ नीचे की हवा खास खुशगवार है, अपनी बुलंदी से अतराफ के मनाजिर भी देख सकते हो। ठीक है, चलो चलें। बदबख्त, नहीं जानता था किसका ये हाल इस जमाने में बहुत ऊंचा जा रहा था। नहीं जानता कि क्या मुसीबत इसमें छूटने वाली है। मलून, उस बुलंद पहाड़ी की क्या मंजरकशी की थी, काश मैं नीचे ही चलता रहता। जो कोई भी तकबर करता है खुदा उसे पस्ती में धकेल देता है, और जो भी बरतरी चाहता है खुदा उसकी नाक को खाक जिल्लत पर रगड़वाता है। तुमने ये सब पढ़ा लेकिन उस पर अमल नहीं किया, लिहाजा तुम बलाओं के हकदार हो। बेहतर है कि नीचे ही से जाएं। दोस्त, कहाँ हो, मेरा ये हाल देखो। अब जबकि तुम्हारा रिश्ता दुनिया से मुनखता हो चुका है, तुम्हारा ये हादी तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। मेरे बदन के सारे जख्म ठीक हो गए हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रास्ते में तुम पर क्या गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई सख्ती थी भी तो आपको देखकर दूर हो गई, लेकिन कुछ लोग मुझसे पीछे रह गए हैं और उनकी जहालतों ने उन्हें रोके रखा है। हालांकि मेरी जहालत ने मुझे काफ़ी वरगलाया था, लेकिन मैंने खुदा के फजल से उसकी बातों पर कान नहीं धरे और वो मुझसे पीछे रह गया। इंशाल्लाह वो मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा। अफसोस के वो हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं और अगली मंजिलों पर शायद हमसे जंग करें। हम बगैर असलहे के उनसे कैसे लड़ेंगे? अगर हमने दुनिया में असलहा तैयार किया होगा तो यकीनन अगली मंजिलों में हमारे सुपुर्द किए जाएंगे, लेकिन अगर असला तैयार किया हुआ न हो तो फिर मालूम नहीं हम पे क्या आफत गुजरेगी। अल
الحمدللہ الحمد لله رب العالمين یہ محبت کرنے والوں کا شہر ہے اور وہ افراد جو اہل بیت کی محبت میں جنت کے مستحق قرار پائے ہیں یہاں ٹھہرتے ہیں۔ علی کی محبت وہ نیکی ہے کہ جسے کوئی بھی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یقیناً جہالت دوبارہ میرے تعاقب میں آئے گا، مجھے ہوشیار رہنا ہوگا کہیں دوبارہ اس کے فریب میں نہ آ جاؤں۔ ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ اس طرف سے جانا ہے، لوٹا آجا۔ اس وقت میری عافیت اس کی مخالفت میں پوشیدہ ہے، میں سیدھے راستے سے جاؤں گا۔ یہ میری باتوں پر کان کیوں نہیں دھرتا؟ لوٹ لا، خدا کی لعنت ہو تجھ پر، میری بات کیوں نہیں سنتا؟ آبادی، یہ چوتھی منزل معلوم ہوتی ہے۔ دوست نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے یہی ملے گا، مجھے جلدی کرنا ہوگی۔ میرا دوست کہاں ہے؟ دوست، مجھے امید ہے کہ زیادہ مشکل نہیں ہوئی ہوگی۔ خدا کا ہر حال میں شکر گزار ہوں، جن خطرات سے گزرا وہ جہالت کی وجہ سے تھے، جو در حقیقت میری ہی کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ اب تمہیں دیکھ لیا تو میرا تمام غم و غصہ برطرف ہو گیا۔ میرے دوست، خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی تو مزید سخت ترین عذاب کا سامنا ہے۔ تیار رہو، جو اکثر انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔
وہ چیزیں جن کے ذریعے تم اپنا دفاع کر سکو اور اس مرحلے سے گزر سکو وہ صرف عصا اور سپر ہوگی جو تمہارے پاس کم ہے. آج جبکہ شب جمعہ ہے اپنے اہل خانہ کے پاس جاؤ, مجھے امید ہے شاید وہ تمہارے نام سے کوئی صدقہ و خیرات نکالیں اور یوں تمہاری زاد راہ میں مزید اضافہ ہو جائے. اے دوست, میں ان سے مایوس ہو چکا ہوں اور وجہ ہے کیونکہ وہ زیادہ تر اپنے ذاتی مسائل میں گھرے رہتے ہیں. بالخصوص زندہ لوگ اپنے مردوں کو جلد بھلا دیتے ہیں اور ان کی یاد مان پڑ جاتی ہے. بہرحال ضروری ہے ابھی اور اسی وقت جاؤ. عام طور پر مردے کے جانے سے انہیں اس کی یاد آتی ہے. امید ہے کہ خداوند عزیز تمہارے جانے کو سبب قرار دے کہ وہ تمہیں یاد کریں. ٹھیک ہے, جاتا ہوں. خدا بخشے تمہارے باپ کو, ان کی زندگی میں بہت سکون میں تھے, کبھی بھی بچے بھوکے نہیں سوئے. خدا انہیں بخش. یہ کیا, ان کے حالات ایسے کیوں ہیں؟ میری زندگی میں تو ان کی بڑی عزت تھی, توقیر تھی, لیکن اب ایسا کچھ نہیں, کوئی پرسان حال نہیں. بظاہر ان کی معاشی حالت بھی ابتر لگتی, میرا بچہ کس قدر کمزور اور خستہ حال ہو چکا ہے. اے خدا مجھ پر اور ان پر رحم فرما. یہ گھوڑے کہاں سے آئے؟ ان میں سے ایک تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے بھیجا ہے, اور یہ رحمت حق ہے جو کہ گھوڑے کی صورت میں پہنچا ہے, اور ان دشوار گزار منزلوں میں پیدل چلنے سے محفوظ رہنے کے لیے, جو کہ بہت دشوار ہے, بہترین سواری گھوڑا ہے. ان کے حق میں تمہاری دعا بھی قبول ہو گئی ہے, اور آج کے بعد سے وہ لوگ آسودہ حال ہو جائیں گے. دیکھا تم نے تمہارا وہاں جانا کیسا بابرکت ثابت ہوا. اب تم تیار ہو جاؤ, چلنے کا وقت ہو گیا ہے. بہت محتاط رہنا, ممکن ہے کسی بھی لمحے ہم سرزمین عطاب میں داخل ہو جائیں. یہ وہی راستہ ہے جس پر تم دنیا میں چلا کرتے تھے. گھوڑے کی لگام کو مضبوطی سے تھام لو اور خدا کا نام لے کر سیدھے چلتے رہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے سے ہٹ جاؤ, پھر میں تمہارے نجات کے لیے کچھ نہ کر سکوں گا اور تم تنہا رہ جاؤ گے.
कौन सी जगह है? ये गधे और गाय कहां से आए? कौन है? हम उस जमीन से जमीन शहबत तक पहुंचे हैं और ये सब शिकम परवर और तन परवर लोग हैं जो अपने माले हलाल से अपने शिकमों को पुर करते थे और सिवाय पेट पूजा के दूसरी फिक्र नहीं थी। इसी वजह से ये गधे गाय और भेड़ की शक्ल में दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता वो जो उल्टे हाथ की तरफ खंजीर और रीछ की शक्ल में हैं, वो हैं जो अपनी तन परवरी के सिलसिले में बहुत बेबाक थे और माले हलाल और हराम में अपने और दूसरों के माल में कोई तमीज नहीं रखते थे, इसीलिए सख्त अजाब की जद में हैं। जल्दी करो, यहां से निकलने की कोशिश करें। खुश नसीब हो तुम कि दुनिया में जो गिजा अपने घर में लाते थे उसमें बहुत मोहताज थे ताकि लुक्मे हराम शामिल ना हो जाए और खाना खाते वक्त भी पेट पूजा की फिक्र में नहीं रहा करते थे, लिहाजा बहुत आसानी से इस सरजमीन से गुजर गए। अगर इसके बरक्स होता तो एक तवील अरसा इस जमीन शहवत में गुजरना पड़ता। ये लोग गीबत सुनने वाले हैं जिनके मुंह और कानों से अक्सर आग बरसती है, उनसे दूर हो जाओ। इस घाटी में कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मोमिनीन का मजाक उड़ाया करते थे और हमेशा ऐब जोई और ताना गोई में मशगूल रहते और चश्मा अबरू की जुम्बिश से इशारे बाजी किया करते थे। ऐ काश मैं जानता ही नहीं मेरा हिसाब क्या है, ऐ काश मौत ने फैसला ही कर दिया होता, वाए वाए मेरा माल मेरे किसी काम न आया, ये पीप हम गुनाहगारों की गिजा है, हमें इसके अलावा कोई खाना नहीं मिलता, चाहे जितनी भी ये पीप गंदगी व गलाजत खा लें फिर भी भूखे हैं, वो मेरे खुदा भूखा हूँ, हाय जल गया। इस औरत ने दुनिया में मसाइल शरई की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी, ये अपने बालों को नामहरमों के सामने खुला रखती थी और नामहरमों के लिए अपने जिस्म की तज़ीन व आराइश किया करती थी। खुदा उसकी मग़फ़िरत ना करे कि जिसने लोगों को गुमराह किया और उन्हें खुदा के अजाब में मुब्तला किया। इन्हें जब जब ईज़ा पहुँचती है तो जलकर खाकस्तर हो जाते हैं और दोबारा नई खाल पैदा हो जाती है और नए अजाब में मुब्तला हो जाते हैं और कोई लम्हा करार नहीं पाते हैं। सूदखोरों का अंजाम ये होगा कि रोजाना हजारों बार मरने की आरजू करेंगे लेकिन ना उन्हें मौत मिलेगी कि छुटकारा पाएं और ना ही राहत और आसाइश पाएंगे। ये वो लोग हैं जो मसाइल दीनी से बेइतनाई बरतते थे और वाजबात की अंजाम दही उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी, अपनी नमाजों को जाया करते थे और अहकामात इलाही से सर्फ नजर करते थे। वाए हो उन पर जो खुदा के साथ खसारे का सौदा करते हैं, ऐ काश उनकी माओं ने उन्हें पैदा ही ना किया होता, वो जो सिर्फ अय्याशी के लिए शराब नोशी करते हैं, ऐ काश अपने दोस्तों को यहाँ आकर एक नजर देखते और मुशाहिदा करते कि खुदावंद मुताल ने किस तरह अपना वादा पूरा किया है।
ये एकदम इतना अंधेरा क्यों हो गया? ये कौन लोग हैं? ये कौन सी सरजमीन है? ये कौन से जानवर हैं? इन्हें देखते ही मारे बदबू के मेरा दिल मतलाया जा रहा है और दम घुटा जा रहा है। मेरे दोस्त कहाँ हो तुम? मदद! हमारी मदद करो! ये जमीन जमीन शहवत है और ये सब जिनाकार हैं। अपने हिसार से बाहर मत निकलना वरना तुम गिरफ्तार हो जाओगे। खुदा रहम करे मेरे अहलो आयाल पर कि जिन्होंने मेरे लिए घोड़ा भेज दिया। ठीक सुना था कि जिस किसी ने भी शादी की उसने अपने निस्फ दीन को बचा लिया, और बकाया निस्फ के लिए हमेशा खुदा से डरते रहना चाहिए। ये वो लोग हैं कि जो दुनिया में कसरत गुनाह की वजह से सिराते मुस्तकीम से खारिज हो गए हैं और अपने ही गुनाहों और कसाफतों की दलदल में हाथ पैर मार रहे हैं और कोई दाद रसी नहीं है, क्योंकि दुनिया में बारहा इन्हें तंबीह की गई थी मगर इन्होंने सुना ही नहीं। इनके कान तो ज्यादती गुनाह के सबब बहरे हो गए थे और कुछ नहीं सुनते थे। हकीकत को देखते थे लेकिन इस पर यकीन नहीं करते थे। ये उनकी अपनी लिखी हुई तकदीर है और बदतरीन सूरत हाल में भी किसी भी अजाब पर लब कुशाई की जुर्रत नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में उन पर हुज्जत तमाम हो चुकी थी और वो जानते हैं कि ये उनकी अपनी बदामालियों का नतीजा है। निकला जा रहा है दोस्त, क्या करूं? तुमने दुनिया में अस्तगफार का शरबत कम पहुंचाया था, इसी वजह से तुम मुश्किल से दो चार हुए। घोड़े से उतर जाओ, अब यहां घोड़े की जरूरत नहीं, पैदल चलेंगे। वो सामने देखो क्या दिखाई दे रहा है। बाग को आग क्यों लगी हुई है? ये किसकी मिल्कियत है? वो बागात और भेड़ें एक मोमिन के जिक्र और तस्बीह करने का समर है, और अब जबकि वो मोमिन झूठ तोहमत और दीगर लगवियात में मशगूल हो गया है तो अब ये आग की सूरत अख्तियार कर गया है जिसने उसकी खूबियों के बागात को जला डाला है। अगर इन दरख्तों का मालिक ईमान मोहकम रखता होता तो इन बागात और भेड़ों को बड़ी अहमियत देता और ये आग ना भेजता। और जब वो यहां पहुंचेगा तब समझ में आएगा कि कितना बुरा काम किया है, और ये वो वक्त होगा जबकि वो हसरत और याद से आहें भरेगा, लेकिन तब हसरत और याद का कोई फायदा ना होगा। तुम खतरों से निकल आए हो मोमिन, ये वादी सलाम की हुदूद है कि मोमिनी तमाम मंजिलों को तय करने के बाद इसमें दाखिल होते हैं, और ये तो खुदा का मोमिनीन से किए गए
वादों में से बहुत छोटा सा सिला है। और तुमने सुल्ताने दीन और दुनिया से जो इजाजत नामा हासिल किया था उसके दिखाने के बाद तुम इस सरजमीन वादी सलाम में दाखिल हो जाओगे। ये सरजमीन सिवाय सलामती और पाकिजगी और अमन अमान के कुछ नहीं। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं कि दुनिया में बिना देखे बहिश्त के खरीदार रहे। इजाजत नामा दिखाइए।